मैं गुलवेज और आप देख रहे हैं प्लांट नॉलेजियाँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सकुलेंट प्लांटों के बारे में। दोस्तों जितने भी टाइप के सकुलेंट प्लांट हैं आज मैं सभी के बारे में वन बाई वन करके बताता रहूँगा, साथ ही उनका प्राइस क्या है इस मार्केट में वो भी आपको बताऊँगा और उनका क्या क्या नाम है। सकुलेंट सब बोलते हैं कि सकुलेंट लेकिन आज मैं सभी के नाम के साथ आपको दिखाऊँगा कौन से प्लांट को क्या बोलते हैं। सभी टाइप के प्लांट आपको मैं बताता रहूँगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और चलिए दोस्तों अब हम सबसे पहले बात करते हैं इस सकुलेंट की। इसका जो बॉटनिकल नेम है ये अडेल्फी नाम से जाना जाता है और ये कमल कैक्टस की ही एक वैरायटी है, लेकिन कमल कैक्टस जो होता है उसकी थोड़ी अलग शेप होती है। दोस्तों इसको जो अडेल्फी के नाम से जाना जाता है ये भी एक हमारे सकुलेंट की एक वैरायटी है। और इसकी अब बात करें केयर की, इसको जो केयर की जाती है दोस्तों इसमें जो आप वाटरिंग करते हैं इसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं और दोस्तों इसको आप इंडोर में लगा सकते हैं। दोस्तों ये मैं बता दूं आपको, इसको कभी भी आउटडोर में आपको नहीं लगाना है, ओनली इंडोर में लगाना है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं हमने भी इसको सभी को इनको इंडोर में ही लगाया हुआ है, आपको भी इसको इंडोर में ही लगाना है। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं इसकी कॉस्ट की, इसका जो प्राइस है इस नर्सरी पर अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं इसका जो प्राइस है वो ओनली 80 रुपीज़ है। ये आपको 80 रुपीज़ में नर्सरी से मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। ग्रीन सीडियम है, इसको सीडियम बोलते हैं। दोस्तों इसकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। दोस्तों अब हम बात करें इसकी केयर की, तो केयर भी इसकी इसी तरीके से की जाती है। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं इसके छोटे छोटे ये लीव्स हैं ये टूटकर गिर रहे हैं, गल रहे हैं। तो दोस्तों ये सब पानी का इफ़ेक्ट है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है आपको। अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया तो आपके जो लीव्स हैं इस प्लांट की वो सब बेकार हो जाएंगी, इस तरीके से टूट टूट के गिर जाएंगी, मर जाएगा। लेकिन इसलिए आपको इसमें बहुत ही मिनिमम पानी डालना है, इसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों अब बात करें इसके प्राइस की, इसका जो प्राइस है इस नर्सरी से अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसका प्राइस है ओनली 80 रुपीज़। आप इसको भी 80 रुपीज़ में इस नर्सरी से परचेस कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा ये भी एक सकुलेंट की वैरायटी है, इसको बोलते हैं टेच फाइम। दोस्तों जो हमारे हमने पहले दिखाया था वो सीडम ग्रीन था, ये सीडम ग्रीन की एक वैरायटी है। ये इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, उसकी जो लीव्स थी वो छोटी थी थोड़ी। ये भी एक टेच फाइम का प्लांट है और ये इसका जो साइंटिफिक नेम है ये टेच फाइम है। दोस्तों ये भी एक सकुलेंट की वैरायटी है, बहुत सारे सकुलेंट की वैरायटी हैं, अलग अलग नाम हैं उनके, बहुत ही डिफ़िकल्ट नेम है मैं आपको सभी के नाम आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों अब जैसे अब हम बात करते हैं इसकी केयर की। दोस्तों इसमें भी आपको बहुत ही मिनिमम पानी डालना है, बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं इसकी क्यों ग्रो करने की। दोस्तों इसको किस तरीके से ग्रो किया जाता है, दोस्तों आज जैसे आप देख सकते हैं इसमें इसको आप कटिंग द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें यहाँ से ब्रांचें निकल रही हैं, इन ब्रांचों को कट करने के बाद आप दूसरे पॉट में लगा सकते हैं, ये आसानी के साथ ग्रो भी किया जा सकता है। दोस्तों इसमें पप्स भी निकलते हैं, छोटे छोटे पप्स भी बनते हैं, ये पप्स द्वारा भी तैयार किया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करें इसके प्राइस की, इसका जो प्राइस है इस नर्सरी पे अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसका प्राइस है ओनली 90 रुपीज़। आप इसको 90 रुपीज़ में इस नर्सरी से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों अब हम दूसरे प्लांट की ओर चलते हैं। और दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा सीडियम का प्लांट है, ये भी एक सकुलेंट की ही वैरायटी है। जो हमारे ग्रीन सीडियम था उसकी ही एक वैरायटी है, इसको शीलियम बोला जाता है। दोस्तों ये भी हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स अवेलेबल हैं, आप चाहते हैं इन प्लांटों को यहाँ से परचेज़ करना तो परचेज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको वन बाई वन करके सभी के बारे में बताता रहूँगा। दोस्तों सभी कैक्टस की अलग अलग वैरायटी हैं, हमारे पास कमल कैक्टस के भी प्लांट अवेलेबल हैं। मैं आपको अब ले चलता हूँ कमल कैक्टस के प्लांट की ओर। और चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कमल कैक्टस की। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे कमल कैक्टस के प्लांट हैं, बहुत सारे प्लांट अवेलेबल हैं और ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट है। दोस्तों अब हम बात करें इसको ग्रो करने की, इसको आसानी के साथ ग्रो किया जा सकता है। दोस्तों इसमें छोटे छोटे ये देख सकते हैं इसमें पप्स बनते हैं और इसकी जो नई नई ब्रांचें होती हैं इन ब्रांचों को आप दूसरे पॉट में भी लगा सकते हैं, आसानी के साथ ग्रो किया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करें इसकी प्राइस की, इसका जो इस नर्सरी से प्राइस है अगर आप इस
प्लांट को यहाँ से परचेस करना चाहते हैं, कमल कैक्टस का प्लांट, ये आपको ओनली 150 रुपीज़ में इस नर्सरी से मिल जाएगा। आप चाहते हैं इस प्लांट को यहाँ से परचेस करना तो परचेस भी कर सकते हैं। दोस्तों कमल कैक्टस की अलग अलग वैरायटी हमारे पास अवेलेबल हैं, ये भी कमल कैक्टस की एक अलग वैरायटी है। अब हम दिखाते हैं कमल कैक्टस की दूसरी वैरायटी, ये जैसे आप देख सकते हैं ये भी हमारे कमल कैक्टस की अलग दूसरी वैरायटी है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। दोस्तों इस तरीके का भी प्लांट आप यहाँ से परचेस करना चाहते हैं तो परचेस भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। ये देखिए बिल्कुल कमल की ही शेप में होता है, जैसे आप लोटस होता है हमारा उसकी ही अलग अलग शेप होती है, देख सकते हैं बिल्कुल लोटस की शेप में ये आपको देखने को मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अगर आप इन प्लांटों को अपने इंडोर में लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं और डेकोरेशन के लिए काफ़ी अच्छे प्लांट होते हैं। दोस्तों इसका जो प्राइस है ये भी 180 रुपीज़ है, इसको भी आप 180 रुपीज़ में इस नर्सरी से परचेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्लांट है। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे सकुलेंट की अलग अलग वैरायटी हैं, मैं सभी के बारे में आपको दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा। चलिए दोस्तों अब हम दूसरे प्लांट की ओर चलते हैं, और चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस सकुलेंट की अलग अलग शेप हैं, ये देखिए कितना अच्छा शेप में है, ये देखिए इसके फ्लावर्स जो है बिल्कुल गुच्छेदार फ्लावर्स है, 3 फ्लावर्स में ये हमारा सकुलेंट अवेलेबल है। ये देखिए सकुलेंट की अलग अलग वैरायटी हैं, ये देखिए इस सकुलेंट का जो इसका फ्लावर्स है, इसका इस सकुलेंट का फ्लावर्स अलग है, ये देखिए इसमें छोटे फ्लावर्स हैं और इसमें ये देखिए इसमें सिंगल फ्लावर्स में ये हमारा सकुलेंट अवेलेबल है। ये देखिए इसके लीव्स जो हैं काफ़ी अच्छी अच्छी लीव्स हैं और ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट है। दोस्तों अब हम बात करें इस वाले सकुलेंट की, ये देखिए इसकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल नोकदार लीव्स हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छी हैं इसकी भी लीव्स और नोकदार हैं, ये देखिए भरा हुआ बिल्कुल हेल्दी प्लांट है। दोस्तों अगर आप इन प्लांटों को परचेस करना चाहते हैं तो किसी भी टाइम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और नर्सरी पर विज़िट कर सकते हैं और आ सकते हैं इन प्लांटों के बारे में पूछने। अब हम बात करते हैं इस सकुलेंट की, ये देखिए ये भी छोटे फ्लावर्स में अवेलेबल है, ये देखिए कितना अच्छा और हेल्दी प्लांट है, ये भी अलग अलग शेप में है, ये देखिए इसका जो फ्लावर्स है वो काफ़ी अच्छा फ्लावर्स है, ये देखिए ये बिल्कुल भरा हुआ हेल्दी प्लांट है, ये भी सकुलेंट की एक वैरायटी है। अब हम बात करते हैं दूसरे सकुलेंट के वैरायटी की, ये देखिए जैसे आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा सकुलेंट की एक वैरायटी है, ये देखिए इसको भी आसानी के साथ ग्रो किया जा सकता है जो देखने में काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इस प्लांट को अगर आपने अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख लिया तो काफ़ी अच्छा लगेगा मैं मानता हूँ, और देखिए दोस्तों ये इसको जो आप ग्रो कर सकते हैं ये भी पब्स द्वारा ग्रो किया जा सकता है, इसके जो देख सकते हैं ये छोटे छोटे पब्स हैं इसमें, इन पब्स को निकालने के बाद आप किसी भी दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं, आसानी के साथ ये ग्रो हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे सकुलेंट की वैरायटी की, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे सकुलेंट की वैरायटी है। दोस्तों इसको आप सकुलेंट को हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी हैंगिंग बास्केट में है। दोस्तों ये देखिए छोटे प्लांट भी हमारे पास अवेलेबल हैं और बड़े प्लांट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, सकुलेंट के हैंगिंग बास्केट में भी हमारे पास बहुत सारे प्लांट अवेलेबल हैं। और दोस्तों अब हम बात करें अलग अलग शेप की, ये देखिए आप इसको कमल कैक्टस को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, इस तरीके से आप इस तरीके के हैंगिंग स्केट में भी इन प्लांटों को आपने गार्डन में लगा सकते हैं जो काफ़ी अच्छे लगेंगे आप। और दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये भी हमारा एक सकुलेंट की वैरायटी है जो काफ़ी अच्छा है, इसकी लीव्स बहुत ही शाइनिंग वाली लीव्स होती हैं, ये रेड और ग्रीन कलर की इसकी लीव्स होती हैं। दोस्तों इस प्लांट को अगर आपने अपने ड्रेसिंग टेबल पे या कहीं भी आपने इंडोर में रख लिया तो ये काफ़ी अच्छा प्लांट होता है। दोस्तों ये आपने आपके घर के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है, ये देखिए ये भी एक सकुलेंट की अलग वैरायटी है। दोस्तों सकुलेंट की बहुत सारी अलग अलग वैरायटी हैं, सभी को हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए दोस्तों अब हम दूसरे प्लांट की ओर चलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये भी एक हमारे सकुलेंट की वैरायटी है, ये हम इसमें जो इस सकुलेंट में क्या है थोड़े से कांटे दिखाई देते हैं, इसमें देखिए ये कांटोदार सकुलेंट प्लांट है। अब बात करें इसको ग्रो करने की, ये भी पब्स द्वारा ग्रो किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे पब्स निकल रहे हैं, इस पब्स को द्वारा आप किसी भी पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं और इनको आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अगर इन प्लांटों को यहाँ से परचेस करना चाहते हैं तो इन प्लांटों को यहाँ से परचेस भी कर सकते हैं। इसका जो इस नर्सरी पर प्राइस है वो 150 रुपीज़ है, इसको 150 रुपीज़ में इस नर्सरी से इस प्लांट को परचेस कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों वैसे हमारे पास बहुत सारे सकुलेंट और कैक्टस की वैरायटी अवेलेबल है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।